आपको मधुबनी चित्रकला की विशेषता और प्रकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपलू दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। घनी चित्रकारी और उसमें भरे गए चटक रंगों का इंद्रधनुष न जाने कितने समय से इस कला ने लोगों को आकर्षित किया है। माना जाता है ये चित्रकला राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाई थी। पहले तो सिर्फ ऊंची जाति की महिलाओं जैसे ब्राह्मणों को ही इस कला को बनाने की इजाजत थी, लेकिन वक्त के साथ ये सीमाएं भी खत्म हो गईं। आज मिथिलांचल के कई गांवों की महिलाएं इस कला में निपुण हैं। अपने असली रूप में तो ये चित्रकला गांवों की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। इस चित्रकला में खासतौर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे। मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और रिपिनी अल्पना। भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। इसे घर की तीन खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे भगवान व विवाहितों के कमरे में और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर। मधुबनी चित्रकला में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। और अधिक रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।